डॉक्टर पवल मैम और हमने शशि का अभिवादन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने बातें यहाँ रखी। और साथ ही किशोर को थोड़ा सा मैं निराश करना चाहूँगा, मैं कोई बना बना बनाया रेजिस्टेंस का प्रोग्राम नहीं लेके आया हूँ। कुछ सवाल हमारे यहाँ जिनको हम शेयर करना चाहते हैं आपसे, और एक ऐसे समय में ये बातचीत, ये इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिस समय की महाराष्ट्र में कॉमरेड पानसरे के साथ जो हुआ, उसके पहले दाभोलकर के साथ जो हुआ, मोदी के 16 मई को सत्ता में आने के बाद घर वापसी से लेकर लव जिहाद, और सत्ता में आने के बाद नहीं सही कहा जाए तो सत्ता में आने के ठीक पहले से ही ये चीज़ें जारी हो गई। मुजफ्फरनगर में दंगा और छोटे छोटे स्मॉल स्केल कई रायट्स कराए गए चुनाव के ठीक पहले, और जिन इलाकों में अपने वोटों की गोलबंदी की राइट विंग फोर्सेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे कंट्रोल्ड रायट्स, कंट्रोल्ड अटेम्प्ट्स कम्युनल टेंशन पैदा करने को, वो लगातार जारी है और अब उसके बाद भी जारी है। जो चाहे साध्वी प्राची के बयानात हो, हम लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं कि, लेकिन हम लोग मजाक उड़ा सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के, यकीन कीजिए भारी जनता उसका मजाक नहीं उड़ा। जो लोअर मिडिल क्लास एक भारी जनता है, मजदूर बस्तियों में, मजदूर नेबरहुड्स में, एक बहुत बड़ी आबादी इवन मजदूरों की, क्योंकि मजदूर चेतना कोई स्पॉन्टेनियस चीज़ नहीं होती, और वामपंथी आंदोलन में भी एक ऐसा ट्रेंड रहा है कि पूंजीवाद विकसित होगा, उत्पादन सोशलाइज होगा, तो वर्कर्स एक जगह असेंबल होंगे, असेंबल होंगे तो उनमें क्लास कॉन्शियसनेस पैदा होगी और वो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे। मतलब कम से कम ये मार्क्सिज्म नहीं है, ये मार्क्सिस्ट मेथड नहीं, और ये कहीं मार्क्सिस्ट मेथड को आगे बढ़ाने वाले तमाम जो जिनको ग्रेट टीचर्स कहते हैं वामपंथी आंदोलन में, लेनिन हो या माओ, उनकी ये टीचिंग नहीं थी कि प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस कोई बाय डिफॉल्ट मिलने वाली चीज़ हो या स्पॉन्टेनियस चीज़ हो, और स्पॉन्टेनियस वर्कर्स कॉन्शियसनेस और प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस में हमेशा फर्क किया हो। स्वतः स्फूर्त मजदूर चेतना जो है और एक सर्वहारा वर्ग चेतना, इसमें हमेशा फर्क किया, और लेनिन ने स्पष्ट तौर पे बताया बार बार कि सर्वहारा चेतना एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल से कॉन्स्टिट्यूट होती है, और इसलिए सर्वहारा चेतना एक ऐसी चीज है जिसको संघर्ष करके मजदूर वर्ग को हासिल करना होता है, और इसीलिए लेनिन ने क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में फर्क किया। उन्होंने कहा कि वर्ग चेतना आर्थिक संघर्षों के जरिए, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स के जरिए, जब फैक्ट्री सिस्टम आया, मैन्युफैक्चरिंग से मशीनों फैक्ट्री तक बात गई और वर्कर्स एक जगह असेंबल होकर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो एक या बोध कि हम अकेले नहीं हैं, हम एटोमाइज्ड इंडिविजुअल नहीं हैं, हम एटोमाइज्ड सिटीजन ऑफ बुर्जुआ रिपब्लिक नहीं है, बल्कि हमारे जैसे लोगों का एक क्लास और एक क्लास कॉन्ट्रडिक्शन है, इतनी कॉन्शियसनेस इकोनॉमिक स्ट्रगल से भी वर्ग उस वर्ग में पैदा हुआ। लेकिन सत्ता का सवाल उठाना, पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाना, स्टेट पावर का क्वेश्चन उठाना, ये इकोनॉमिक स्ट्रगल अपने आप में मजदूर वर्ग को ना इतिहास में कभी सिखाए हैं ना आगे कभी सिखाए, और मिलिटेंट से मिलिटेंट इकोनॉमिक स्ट्रगल एक मिलिटेंट किस्म का सिंडिकलिज्म पैदा करता है, संघाधिपत्यवाद पैदा करता है। संघाधिपत्यवाद जिसको बेसिकली मैं, जो मेरी समझदारी बनी, मैं उसको इस बात से कैरेक्टराइज करता हूँ कि जब क्लास अपनी वैनगार्ड पार्टी की जरूरत को नहीं महसूस करता है, वो महज ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के मास ऑर्गेनाइजेशन से ही संतुष्ट हो जाता है, वो महज वेज इंक्रीमेंट की लड़ाइयाँ, वेतन बढ़ोतरी की लड़ाइयाँ और सोशल वेलफेयर के जो गेम्स होते हैं उनकी लड़ाइयों को लड़कर ही संतुष्ट हो जाता है। बहरहाल मूल चर्चा जिस जहाँ से ये बात निकलती है कि हिंदुस्तान में मोदी के पावर में आने के बाद वामपंथी आंदोलन का भी एक हिस्सा था जो कि डिनायल मोड में इस तरीके से चला गया था कि बहुत सारे वामपंथी पत्रिकाओं में, मुझे नहीं मालूम कि महाराष्ट्र में मराठी पत्रिकाओं में इस तरह के लेख आए या नहीं आए, लेकिन हिंदी जगत में और इवन जो बांग्ला कई पत्रिकाएं हैं और जो इंग्लिश की कई पत्रिकाएं, लेफ्ट की मैगजीन्स निकलती हैं, उनमें एक बात आई कि मोदी जीते, लेकिन देखिए वोट परसेंटेज में बड़ा नॉमिनल से बढ़ोतरी आई, मतलब ये पॉइंट नहीं था, और ये इस डिफीट को पहले लेफ्ट को स्वीकार करना चाहिए, मतलब एक टेरिबल डिफीट, और ये मानना चाहिए कि जिस क्राइसिस में भारतीय पूंजीवाद ने अपने आप को पाया, उस क्राइसिस में जो ड्यूअल पोटेंशियल था, और हर क्राइसिस में ड्यूअल पोटेंशियल होता है, कोई भी कैपिटलिस्ट क्राइसिस पैदा होती है तो एक तरफ रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल भी पैदा करती है, वो लेटेंट होता है, और एक तरफ वो रिएक्शनरी पोटेंशियल भी पैदा करती है, वो भी लेटेंट होता है। इस लेटेंट पोटेंशियलिटी को, इस सुषुप्त संभावना को
एक वास्तविकता में तब्दील करने के लिए एक अभिकर्ता की जरूरत होती, एजेंट की जरूरत होती। और हर क्राइसिस जब एक ड्यूअल पोटेंशियलिटी पैदा करती है, तो उस समय इतिहास का, उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि कौन सा एजेंट तैयार है उस वक्त की क्राइसिस की लेटेंट पोटेंशियलिटी को एक रियलिटी में तब्दील करने की। और हमने पाया कि इंडियन कैपिटलिज्म, और इंडियन कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में उसकी कोई आइसोलेटेड किसी फेनोमेनन के तौर पे बात नहीं करते, पूरे ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस, जिसकी बात कॉमरेड शशि ने भी की, जो कि 2008 से तो मतलब कहा जाए कि वो एक सीरियस डिप्रेशन में कोलैप्स हुआ, लेकिन 1973 में डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड के कोलैप्स होने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी कभी भी किसी सिग्निफिकेंट और रियल बूम का फेज उसने नहीं देखा, और उसका जो जनरल रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वो 3% से नीचे रहा है, जिसको अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर से काउंटर बैलेंस किया जाए तो बेसिकली एक मंद मंदी रही 1973 से, लगातार एक मंद मंदी रही। और 1973 से ही नहीं बल्कि इस पूरी परिघटना को थोड़ा पहले से ट्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहली चीज ये कि हमारे देश में जो पूरा माहौल, जो लोकसभा चुनाव आखिरी हुए उसके कुछ समय पहले से और उसके बाद में खासतौर पर जो हम देख रहे हैं, जो एक राइट विंग का अपसर्ज, ये कोई आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं। हालांकि फैशिज्म को किसी भी किस्म के रिएक्शन से इक्वेट नहीं किया जाना चाहिए, अन्य किस्म के रिएक्शन से एक कई बहुत अहम मामलों में फैशिज्म डिफरेंट होता है। प्राइमरीली ये कि एक मास मूवमेंट होता है, ये कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है विदाउट मास बेस, बोनापार्टिस्ट रेजिम नहीं है, कोई बोनापार्टवादी सरकार नहीं है जिसमें एक डिक्टेटर सभी क्लासों से ऑटोनोमस होके एक ऐसे दौर में जब कई वर्गों का संघर्ष में कई वर्ग एक दूसरे को बहुत क्लोजली बैलेंस कर रहे होते हैं, तो एक कोई डिक्टेटर नुमा फिगर उभरता है, तानाशाह नुमा फिगर उभरता है, जो कि अपने आप को इस तौर पर पेश करता है, हालांकि ऑस्टेंसिबल रियलिटी है, अपने आप को इस तौर पर पेश करता है कि वो किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, और वो किसी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद की बजाय अपने आप को किसी एक आइडियलाइज्ड कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश करता है। वो ग्रेट जर्मन कम्युनिटी हो सकती है, वो प्राचीन भारत के रामराज्य वाली कम्युनिटी हो सकती है, या वो कोई और कम्युनिटी हो सकती है, वो उसके तौर पे पेश करता है। लेकिन फैशिज्म को इन फॉर्म्स ऑफ रिएक्शन से इक्वेट करना एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी, इसलिए भूल साबित होगी, या इवन मैं कहता हूँ कि राइट विंग पॉलिटिक्स में निश्चित तौर पर आइसिस, बोको हराम, तालिबान को जोड़ा जाना चाहिए, या जो ज़ेनोफोबिया पूरे यूरोप में इस वक्त प्रेवलेंट है अल्जीरियंस के खिलाफ फ्रांस में, या जो रोमा कम्युनिटी है उसके खिलाफ यूरोप के अलग अलग कई देशों में, स्लाव्स के खिलाफ एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज में जो एक पैरानोइया है इमिग्रेंट्स को लेकर, और उनको लगता है कि इमिग्रेंट्स हमारी नौकरी खा रहे हैं या जो भी, और उसका इस्तेमाल रिएक्शनरी फोर्सेज करते हैं, निश्चित तौर पर ब्रॉड कैटेगराइजेशन में ये सभी राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म्स का डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कंजेंचर्स पे अलग अलग देशों में उपस्थित हुए। लेकिन फैशिज्म की पर्टिकुलैरिटी को समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि स्ट्रेटजी जो फैशिज्म को रेजिस्ट करने की, उसका प्रतिरोध करने की, वो काफ़ी हद तक वामपंथ की और प्रोग्रेसिव ताकतों की इस क्षमता पर निर्भर करता है कि वामपंथी ताकतें किस हद तक अन्य जो फॉर्म्स हैं रिएक्शन के उनमें और फैशिज्म में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में बार बार आगाह किया गया 1930 से लेकर अभी तक, लेफ्ट में अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स ने आगाह किया, ऑगस्ट थैलाइमर से लेकर निकोस पुलांजास से लेकर तमाम जो नॉन पार्टी इंटेलेक्चुअल्स से, उन्होंने भी इसके बारे में आगाह किया कि ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि एक अलग अलग किस्म के जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म्स हैं उनके उभरने का, उनके राइज का कंटेक्स्ट बहुत ही जनरल टर्म्स में कहें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट का क्राइसिस पैदा करता है, उसका पॉलिटिकल और उसका इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करता है, इंपीरियलिज्म का मिडिल ईस्ट में इंटरवेंशन, और आज जो तस्वीर पेश की जाती है मतलब फिलिस्तीन की या फिर इराक की, अफगानिस्तान की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इंपीरियलिज्म के इंटरवेंशन के पहले एक बहुत ही स्ट्रांग लिबरल ट्रेडिशन थी जेंडर के सवाल पे, स्त्रियों की स्वतंत्रता के हर सवाल पे, फिलिस्तीन से लेकर अफगानिस्तान, बहुत स्ट्रॉन्ग लिबरल ट्रेडिशन। लेकिन इंपीरियलिज्म के इंटरवेंशन ने
किस तरीके से वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस और स्टेट की क्राइसिस को जन्म दिया, जिसने कि अंत में फीड इन किया जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स उनको वहां पर भी या किसी भी जगह पे। बोको हराम अगर अफ्रीका में कर रहा है तो उसके अपने पर्टिकुलर रीजंस हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अलग अलग राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के पीछे कैपिटलिस्ट स्टेट का क्राइसिस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्राइसिस यही मौजूद है। और आज ये हमारे देश में ही ये फिनोमेनन हम नहीं देख रहे हैं, जिसके जिस क्राइसिस के रिएक्शन के तौर पर फैशिज्म का अवसर जहां हो रहा है। बांग्लादेश में अवजीत रॉय की जिस तरीके से हत्या हुई बर्बर तरीके से, तो दिल दहला दे रहे हो और किसी भी आदमी के कॉन्शंस को झकझोर दे रहे हो। या पेशावर में जो कुछ हुआ, जो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वहां बच्चों का कत्लेआम किया, या इस तरह की तमाम घटना, या गोल्डन डॉन के जो फैशिस्ट ब्रिगेड्स थे वो किस तरह ग्रीस में ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस पे हत्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल असैसिनेशंस कर रहे हैं, वो सब चीजों को देखा जाए तो एक बात तो स्पष्ट है, जो मेरा पहला पॉइंट है बेसिक, कि आज जो राइट विंग का अपसर्ज है जिसको हम अपने देश में देख रहे हैं वो कोई आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है। और मैं यहाँ पर ये कहना थोड़ा टॉटोलॉजिकल हो सकता है, रेपिटेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फिनोमेनन मौजूद है सभी इस बात को मानते ही होंगे कि ये ग्लोबल फिनोमेनन है। वो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज से लेकर जो बैकवर्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज है हिंदुस्तान जैसी, वहां तक इसको हम देख सकते हैं साफ तौर पे कि एक राइट विंग का अवसर एक ग्लोबल फिनोमेनन के तौर पे सामने आ रहा है, और कुछ देशों में ये फैशिस्ट फॉर्म्स में भी सामने आ रहा है। और वास्तव में इस बात की हम लोग को फॉर द सेक ऑफ अ सेनर एनालिसिस इस बात की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए कि फैशिज्म कहां पावर में पहुंच गया और कहां उसने स्टेट कैप्चर कर लिया। जैसे कि माइकल कैलेकी ने कहा था कि अगर फैशिज्म के पास सत्ता नहीं भी होती है तो ये पूंजीपति वर्ग की जंजीर में बंधे हुए कुत्ते के समान, एक लीस्ट डॉग के समान होता है, एक इनफॉर्मल पावर ऑफ बुर्जुआजी होती है। अगर उसने फॉर्मली मोदी नहीं भी जीता तो इससे वर्किंग क्लास मूवमेंट के सामने फैशिज्म जो थ्रेट उपस्थित कर रहा वो तब भी मौजूद और वो तब भी मौजूद थी। और एक वर्किंग क्लास एक्टिविस्ट के तौर पे हम लोगों ने लगातार इसका सामना किया है। आप लोगों को शायद पता हो वजीरपुर में अभी स्टील वर्कर्स का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, स्टील उद्योग के वर्कर्स का, वहां पर हम लोगों ने इसका सामना किया। ऑलमंड प्रोसेसिंग वर्कर्स दिल्ली के हैं, वहां हमने इसका सामना किया। लुधियाना में टेक्सटाइल वर्कर्स का आंदोलन हुआ, वहां हमने इसका सामना किया। अभी एक मजदूर लड़की के साथ बहुत भयंकर निर्भया कांड से भी भयंकर एक वारदात हुई थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जुटान हम लोग ने लुधियाना में किया। वहां पर भी उस जुटान को सबवर्ट करने, उसको तोड़ने और मजदूरों के एक ऐसे इशू पर भी साथ आने से को रोकने के लिए फैशिस्ट ब्रिगेड्स लगातार कोशिश कर रही थी, और ग्रासरूट लेवल पे लगातार वो एक वही लीस्ट डॉग की तरह, जंजीर में बंधे हुए कुत्ते की तरह पूंजीपति वर्ग के वो काम करती रही। दैट इज नॉट टू से कि अगर फैशिज्म पावर में आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क भी पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जो हमें देखने को लगातार मिल रहा। मोदी रेजिम सत्ता में आने के बाद पीएमओ ऑफिस ने जिस पहला ऑफिशियल सिग्नेचर जिस चीज पे किया था वो लेबर लॉस का रिविजन, जिसमें कि अब ओवर टाइम पहले कोई भी मजदूर 15 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता था और इनवॉलेंट्री ओवर टाइम नहीं हो सकता था। अब वही जिस मार्क्स ने जिस डुअल फ्रीडम ऑफ लेबर की बात की थी, उस डुअल फ्रीडम को और बढ़ावा देते हुए मोदी ने कहा कि अगर देश का मजदूर और मजदूरी कमाना चाहता है ओवर टाइम करके तो उसको कमाने दिया जाना चाहिए, एज इफ कि मजदूर अपनी मर्जी से ओवर टाइम करता। अगर इस देश की फ्लोर लेवल मिनिमम वेज 5600 के करीब बैठती है तो मजदूर ओवर टाइम करने को मजबूर है। हो सकता है कि ऊपर से ये दिखे कि उसने रैशनल चॉइस मेकिंग की है, जो कि डेवलपमेंटल और बुर्जुआ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सेलिब्रेटेड टर्म है, रैशनल चॉइस मेकिंग, कि यहाँ हर इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक डिसीजन को रैशनली लेता है, खुद अपने नफे नुकसान के बारे में सोच कर लेता है। तो ऑस्टेंसिबली ये दिख सकता है कि हर मजदूर ने रैशनल चॉइस मेकिंग की और इस देश के 93% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले मजदूर, यानी 5600 से बढ़ गया है वो 5600 करोड़ मजदूर जो है उसका 93% निकाल लीजिए, लगभग मेरे ख्याल से 56 करोड़ के आसपास बैठे वो 56 करोड़ मजदूर। ये रैशनल चॉइस मेकिंग, एक फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनको ढांचागत तौर पर मजबूर किया जाता है कि ओवर टाइम करें। हर मजदूर भी इंसान होता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता है, वो भी साहित्य कला सृजन की चाहत हो सकता है रखे अगर उसे मौका मिले, वो भी हो सकता है कि साइंटिफिक एंडेवर्स में पार्टिसिपेट करना चाहे, लेकिन उसके जीवन को पूरी तरीके से एनिमल फंक्शंस तक रिड्यूस करके रख दिया। तो जो पहला पॉइंट खैर मेरा था वो ये था कि ये एक ग्लोबल फिनोमेनन है, और अगर ये ग्लोबल फिनोमेनन है तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि ये ग्लोबल फिनोमेनन क्यों है और इसका ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या लिंक बनता है। जैसा कि कॉमरेड शशि ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया
कि 1930 के दशक की महामंदी और आज 2008 में जिस मंदी को हम देखें, या कहा जाए कि जो एक माइल्ड रिसेशन 1970 से शुरू हुआ, 1970 के दशक से शुरू हुआ, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस यह तो नहीं है कि उस समय फाइनेंस कैपिटल डोमिनेंट नहीं था, इंडस्ट्रियल कैपिटल डोमिनेंट था, और अब फाइनेंस कैपिटल डोमिनेंट हुआ है, तब भी फाइनेंस कैपिटल डोमिनेंट था, टोटल सरप्लस एप्रोप्रिएशन में फाइनेंस कैपिटल का परसेंटेज कहीं ज्यादा था इंडस्ट्रियल कैपिटल। लेकिन यह बात जरूर है कि वो फाइनेंशियलाइजेशन नंबर वन अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, अनप्रोडक्टिव कैपिटल का शेयर टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ा, और पूरे दुनिया के पैमाने पर ग्लोबल कैपिटल के मॉडस ऑपरेंडी पे कुछ बहुत ही उसके कार्यशैली में, उसके काम करने के तरीके में कुछ हम कहेंगे कि प्रोफाउंड चेंजेस आए, जिसको समझे बगैर आज के समय में ना तो हम मजदूर आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, ना हम कोई पॉपुलर प्रोलेटेरियन मूवमेंट यूनाइटेड फ्रंट ऑफ क्लासेस बना सकते हैं कैपिटल सिस्टम के खिलाफ। वो चेंजेस क्या है उन पर मैं थोड़ी बात रखना चाहूंगा। एक सबसे बड़ा जो चेंज है जिसको हम समझते हैं कि समझा जाना चाहिए, वो है फोर्डिज्म का खत्म। 1960s तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक कैपिटलिस्ट क्राइसिस का मैनिफेस्टेशन, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी उस कैपिटलिस्ट क्राइसिस को पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं किया, और 20 साल भी नहीं बीते, कहा जाए कि 20 साल से भी कम वक्त में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दो वर्ल्ड वॉर्स जो है वो एक जनरल इकोनॉमिक क्राइसिस का नतीजा था। 1910 के दशक में एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसके नतीजे के तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पैदा हुआ, और दूसरा जो है ग्रेट डिप्रेशन 1929 में जो शुरू हुआ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश के साथ, वो एक दूसरी मंदी थी जिसके इन दो फेज, इस पूरे फेज को हमें लगता है थोड़ा एक करके देखा जा सकता है, हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी एक मायने में एक करके देखा जा सकता है। ये वह दौर था जब अभी फोर्डिज्म प्रिंसिपल मोड ऑफ रेगुलेशन या प्रिंसिपल मोड ऑफ एप्रोप्रिएशन बना हुआ। फोर्डिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम था जो कि 1920s में फोर्ड ने शुरू किया, हेनरी फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई, तो एक नया वो कॉन्सेप्ट था कि गाइगेंटिक फैक्ट्रीज होती थी, एक तरफ से सब कुछ एंटर करता था और दूसरी तरफ से एक फिनिश्ड माल निकलता था, और इन गाइगेंटिक फैक्ट्रीज में मतलब 8-10 हजार लोग कई बार काम करते थे, और 12-14 हजार के साइज की भी फैक्ट्रीज थी, खासतौर पे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में। ये फोर्डिज्म का जो पूरा दौर था, ये फोर्डिज्म का क्राइसिस आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उत्पादक शक्तियों को बहुत बड़े पैमाने पर विनाश किया पूरी दुनिया में, और उत्पादक शक्तियों का यूरोप तो एक तरीके से कहा गया कि वो एक खंडहर में तब्दील हो चुका था, यूरोप का बड़ा हिस्सा, जापान बर्बाद हो चुका था, एक अच्छा खासा हिस्सा जो कि कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड का था, जहाँ पे रीजनल थिएटर्स ऑफ वॉर डेवलप हुए थे, उनमें भी काफी डिस्ट्रक्शन था। तो पोस्ट वॉर जो रिकंस्ट्रक्शन था, उस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन को डील करने के लिए मार्शल प्लान आया, और मार्शल प्लान का जो पूरा दौर था, जिसको अमेरिकन कैपिटलिज्म के भी दौर में गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, केनेडी के उससे जाना जाता है, अभी तक उसको एक लेकर इतना जबरदस्त नॉस्टैल्जिया है कि विंडोज के एक्सपी एडिशन में एक अलग डेस्कटॉप थीम थी जिसका नाम था गोल्डन एरा, और वो गोल्डन एरा एक चित्रों का कोलाज था जिसमें केनेडी एरा की जो ऑलमोस्ट नियर फुल एम्प्लॉयमेंट था, वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसीज थी, उसके चित्र प्रस्तुत किए गए थे, और उसको आज तक जो 60 साल से ऊपर का अमेरिकन है उसको बहुत नॉस्टैल्जिक होकर याद करता है उसको। लेकिन ये दौर जो रिकंस्ट्रक्शन का था, इसको दोबारा, और वेलफेयरिज्म का जो दौर था, ये वेलफेयरिज्म सिर्फ इस वजह से नहीं आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ और रिकंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस चली, उससे उत्पादक शक्तियों के विनाश के बाद उत्पादक शक्तियों के पुनर्निर्माण की वजह से कैपिटलिज्म ने जो बूम का दौर देखा, इसके अलावा इसका एक और कारण, एक सोशलिस्ट ब्लॉक की मौजूदगी जिसने अपने सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मजदूरों के जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार किया, उसकी वजह से एक फियर भी काम कर रहा था, एक रेड फियर काम कर रहा था, और इसी वजह से उस गोल्डन पीरियड कंसाइड्स विद द मोस्ट रिप्रेसिव रेजिम इन अमेरिका, मैकार्थी पीरियड जो आता है, जो एंटी कम्युनिस्ट विच हंट वहां होता है, जिसमें ब्रेक्स से लेकर वो रोजनबर्ग दंपति जो थे, इस तरह के तमाम फिगर्स सामने आते हैं हमारे, और बड़े पैमाने पर रिप्रेशन होता है। तो एक तरफ गोल्डन पीरियड था, वेलफेयरिज्म था स्टेट का पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और दूसरी तरफ एक रिप्रेसिव रेजिम थी जो हर किस्म के डिसकंटेंट को, हर किस्म के मिलिटेंट वर्कर्स मूवमेंट को, ऐसे वर्कर्स मूवमेंट को जो ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, ऐसे वर्कर्स मूवमेंट को जो सिंडिकलिस्ट नहीं था, उसको दबाने का हर संभव प्रयास किया, और दबाया भी काफी। लेकिन ये दौर वेलफेयरिज्म का खत्म होना था,
क्योंकि प्राइवेट एक्युमुलेशन का जो बेसिक लॉजिक होता है उसके लिए वेलफेयर स्टेट कभी भी कोई प्रोट्रैक्टेड फिनोमेनन नहीं हो सकती है। वेलफेयर स्टेट एक खास दौर में कैपिटलिज्म की जरूरत हो सकती है, जब कैपिटलिज्म किसी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा हो, पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रहा हो, उस दौर में वेलफेयर स्टेट एक ऐसे मैकेनिज्म के तौर पे आता है जो कि कॉन्ट्रडिक्शंस को ब्लंट करता है, कुछ समय के लिए क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस को ब्लंट करता है सोसाइटी में। और इवन वो वेलफेयर स्टेट कई बार प्राइवेट कैपिटलिस्ट की इच्छा के विपरीत काम करता है, प्राइवेट कैपिटलिस्ट पैसा चाहते नहीं। और ये वास्तव में अगर देखा जाए कि कैपिटलिज्म की एक खासियत, कैपिटलिज्म किसी भी कैपिटलिस्ट सोशल फॉर्मेशन में स्टेट की एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है। ये रिलेटिव ऑटोनॉमी इसलिए होती है क्योंकि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोएर्शन होते हैं लेकिन फॉर्मली एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोएर्शन उसको नहीं होता है। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स का जो रूल था वो डिवाइनली ऑर्डर्ड था, राजा चूंकि ईश्वर की छाया था इसलिए वो किसान की सारी उपज ले सकता था और किसान कुछ नहीं कर सकता। या कोई सामंती भूस्वामी वो दैवीय सत्ता का प्रतिनिधि था और इसलिए उसकी विल का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक पॉलिटिकल कोएशन के जरिए करवाया जाता था। और इसकी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के दौरान जो सरप्लस एप्रोप्रिएट होता था वो इकोनॉमिक मेथड के जरिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेथड्स के जरिए। लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता, ऐसे में इकोनॉमिक, लेकिन इसको भी प्योरिटी में देखने की जरूरत नहीं है। एक डिबेट चली भी है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बीच में कि कैपिटलिज्म कैन कोएग्जिस्ट विद अनफ्री लेबर और नॉट, टॉम ब्रास और जयरस बनर्जी के बीच में एक डिबेट चली जिसमें टॉम ब्रास और जयरस बनर्जी दोनों अंत में इस नतीजे पे पहुंचे कि कैपिटलिज्म कैन वेरी वेल सर्वाइव विद कोएग्जिस्ट विद अनफ्री फॉर्म्स ऑफ लेबर। और दुनिया के जो सबसे क्लासिकली कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्री अगर आज के टाइम में देखा जाए तो स्लेव लेबर से अप्रोप्रिएट होने वाले सुपर प्रॉफिट पे खड़ी हुई अमेरिका, तो इसलिए कैपिटलिज्म उसके साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट लिबरल बूर्जुआ डेमोक्रेसी 1930s 1940s 1950s के पूरे दौर में अस्तित्व में आए, उन्होंने कैपिटलिज्म को एक ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे स्थापित किया जहां पे ये एक्स्ट्रा इकोनॉमिक क्वेश्चन कम होता है। ये हमारे देश में कम देखने को मिलता है क्योंकि हम लोग एक पोस्ट कॉलोनियल कैपिटलिस्ट कंट्री है और पोस्ट कॉलोनियल कैपिटलिस्ट कंट्री की अपनी पिक्यूलियरिटीज होती है। लेकिन हम ये जरूर हमें देखने को मिलता है कि हर जगह जहाँ कैपिटलिस्ट स्टेट है वो रिलेटिव ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। इसका कारण यह है कि बुर्जुआजी का रूल हेजेमनी पे बेस्ड होता है, प्योर डोमिनेंस पे नहीं बेस्ड होता है। वो कंसेंट लेकर और कंसेंट लेकर अगर बुर्जुआ स्टेट को रूल करना है तो बुर्जुआ स्टेट को बुर्जुआ क्लास के इंडिविजुअल मेंबर से एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है क्योंकि इस डिस्टेंस के जरिए ही बुर्जुआ स्टेट के पास ये क्षमता आती है कि वह अपने आप को, वह जो बिखरे हुए प्राइवेट कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट है, क्लास इंटरेस्ट है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और कैपिटलिस्ट क्लास को अपने सेल्फिश इंडिविजुअलिस्ट इंटरेस्ट से ऊपर उठ के एक कलेक्टिव क्लास इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में सक्षम बनाता है, नंबर एक। दूसरी बात, इन कलेक्टिव कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को वो नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर पैकेज कर सके और जनता से लेजिटिमेसी ले सके, इसके लिए भी ये जरूरी है कि कैपिटलिस्ट स्टेट जो बुर्जुआ क्लास है उससे एक रिलेटिव ऑटोनॉमी मेंटेन करे और उस रिलेटिव ऑटोनॉमी का इस्तेमाल वो जो है एक दो काम के लिए करे, एक बिखरे हुए पूंजीवादी हितों को क्लास इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्लास इंटरेस्ट के तौर पर पेश करना नंबर वन, और नंबर दो उसको उस ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिस्ट क्लास इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर पैकेज करना, उसको पेश करना और उसके जरिए जनता से कंसेंट लेना, लेजिटिमेसी लेना और बुर्जुआ रूल के लिए लेजिटिमेसी लेना। बहरहाल जो जिस चर्चा पे हम थे कि एक जो मेजर डिफरेंस है पुराने क्राइसिस और अब के क्राइसिस में वो ये है कि आज जो क्राइसिस है वो कहीं ज्यादा स्ट्रक्चरल है, कहीं ज्यादा डीप रूटेड है। स्ट्रक्चरल और डीप रूटेड इसलिए है क्योंकि फोर्डिज्म के कोलैप्स के बाद ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैपिटलिज्म का जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये आया है कि वर्किंग क्लास के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए उसने असेंबली लाइन का फ्रेगमेंटेशन किया, एक ग्लोबल असेंबली लाइन सामने आई है। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो जूते पहनते हैं, आमतौर पे वो एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होते, उसका कोई पार्ट कहीं मैन्युफैक्चर्ड होता है। अगर एक जूते का सोल जो है वो मेक्सिको में ज्यादा सस्ते तरीके से मैन्युफैक्चर होता है तो मेक्सिको में मैन्युफैक्चर होता है, उसकी अपर बॉडी अगर इंडोनेशिया में ज्यादा सस्ते तरीके से मैन्युफैक्चर होती है तो वहां पे होती है। तो कैपिटल जो है वो सस्ते श्रम नंबर एक और सस्ते कच्चे माल का एक हंटर एंड गैदरर बन गया है क्योंकि पूरे ग्लोब पर कच्चे सस्ते कच्चे माल और सस्ते श्रम को लूटने के लिए एक कहा जाए कि वो घूमता रहता है, एक नोमैडिक
हंटर एंड गैदरर की तरह घूमता रहता है, और ये बहुत बड़ा चेंज लाता है कैपिटलिज्म के पूरे स्ट्रक्चर में। फोर्डिज्म के कोलैप्स के साथ वर्किंग क्लास डिसइंटीग्रेट करता है। एक और जो बड़ा चेंज आता है बीच में थोड़ा, वो आता है कि क्राइसिस को टालने के लिए 1960s में एक मेथडोलॉजी अपनाई गई जिसको डेट फाइनेंस बूम कहा गया। डेट फाइनेंस बूम अभी भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहा जाए एक्सपेरिमेंट बेसिकली सबप्राइम क्राइसिस ने दिखाया कि फेल है। डेट फाइनेंस बूम ये था कि कैपिटलिज्म का जो बेसिकली क्राइसिस होता है वो ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस होता है। वो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन अपने नेचर से ही मेजोरिटी ऑफ वर्किंग क्लास को और मेजोरिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन को पॉपराइज करता है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी को कम करता है, और ये उसके लिए जरूरी होता है क्योंकि कैपिटलिज्म कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता है, बल्कि इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने और प्राइस कॉम्पिटिशन में अपने कॉम्पिटिटर को पीटने के लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं। इसलिए उनका पूरा ध्यान इस चीज पे होता है कि अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो व्यापक आबादी का इतना भयंकर शोषण करते हैं कि वो परचेजिंग कैपेसिटी कम होती है, एक तरफ मालों से बाजार बढ़ जाता है और दूसरी तरफ खरीदने वाले लोग नहीं। इस क्राइसिस से निपटने के लिए 1950s-1960s में जिस स्ट्रेटेजी को कैपिटलिज्म ने अपनाया वो ये था कि फाइनेंस कैपिटल का हेजेमनी स्थापित होने के बाद बैंक्स ने कहा कि हम तुम्हें पैसा देते हैं, तुम खरीदो, और सबसे पहले मिडिल क्लासेस को बड़े पैमाने पर क्रेडिट दिया गया ताकि वो हाउसिंग, और इसीलिए हाउसिंग का जो ड्रीम है अमेरिका का उसके पीछे फाइनेंस कैपिटल की पूरी स्ट्रेटेजी है कि घर होना अमेरिका में बहुत बड़ी चीज होती है। ये सबसे बड़ा इसके तमाम फिल्में बनी है, मतलब कि घर का जो फेटिश है, मैं बैठ रहा हूँ, घर का जो फेटिश है वो यूएस सोसाइटी में इतना जबरदस्त है, और वो पैदा किया गया एक खास दौर में पैदा, वो हमेशा से नहीं। उसी तरीके से ऑटोमोबाइल को लेकर एक फेटिश पैदा किया गया, और ऑटोमोबाइल और हाउसिंग ये दो सेक्टर थे जहां पे जबरदस्त पैमाने पे अमेरिकन पॉपुलेशन के मिडिल क्लासेस को, जो कि परचेजिंग कैपेसिटी घर खरीदने की और कार खरीदने की खो चुकी थी, उसको डेट दे के खरीदा। लेकिन एक समय आना ही जबकि ये जो डेट का मार्केट है, क्रेडिट खुद एक कमोडिटी होती है कैपिटल सिस्टम में, फाइनेंस सिस्टम में, ये जो क्रेडिट का मार्केट था ये भी सैचुरेट कर, वो कर ही गया। उसके बाद इस बात का नारा देते हुए कि हम फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं और अब क्रेडिट पे हक सिर्फ मिडिल क्लासेस का नहीं होगा, बल्कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री को ए रेटिंग नहीं है या ए प्लस रेटिंग नहीं है, हम उनको भी देंगे, और उसी लोगों को सब प्राइम लोन का, और बड़े पैमाने पे ऐसे आबादी को ऋण दिया गया। 2004-05 तक खासतौर पर प्रक्रिया शुरू होती है सब प्राइम लोन की, जो आबादी अपने उस ऋण को वापस कर ही नहीं सकती, तो पहली किश्त भी नहीं चुका। और इसका सबसे बड़ा एक सब प्राइम लोन की खासियत ये थी, इसमें वेरिएबल इंटरेस्ट रेट था। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट का ये मतलब था कि आपने मूलधन लिया, मूलधन लेने के बाद हो सकता है आपको पहली किश्त थी वो 20% या 30% के आसपास देनी पड़ती। तो एक बहुत बड़ी आबादी, जो अमेरिकी गरीब आबादी जिसने बैंकों से ऋण लेकर गाड़ियां खरीदी, मकान खरीदे, वो डिफॉल्ट की, और यहीं से सब प्राइम मार्केट खुला है। और इसके ग्लोबली फैल जाने का कारण ये था कि जितने अमेरिकन बैंक्स थे उन्होंने एक फाइनेंशियल पैकेज बनाया जिसका नाम था कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन, सीडीओ। उस सीडीओ में उन्होंने क्या किया कि जो टॉक्सिक क्रेडिट था, जो टॉक्सिक गार्बेज था, फाइनेंशियल गार्बेज था, यानी कि बुरा ऋण, मान लीजिए ये गरीब है, ये अमीर है, ये मिडिल क्लास के हैं और बाकी एक बड़ी आबादी गरीब है, तो हमने सब किस्म की ऋण के लाइबिलिटी को, जो कि बैंक होती, उसको मिक्स करके एक पैकेज बनाया और उसको दूसरे बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिया। जो दूसरे फाइनेंशियल बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने उस पैकेज को खरीदा, उसको नहीं पता था कि उसको जिससे लेनदारी लेनी है वो कौन है। और जब इकट्ठे कोलैप्स किया वो पूरा मामला, तो पहला बैंक जो कोलैप्स किया सब प्राइम क्राइसिस में, वो अमेरिकन बैंक था ही नहीं, वो एक आयरिश बैंक था, उसका नाम था नॉर्दर्न रॉक, और वहां से वो साइकिल स्टैंड में जैसे साइकिलें गिरती है उस तरीके से धड़धड़ सारे जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनका गिरना शुरू हुआ। तो अगर पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक कैपिटलिज्म के मॉडल्स ऑपरेंडी में देखा जाए तो कुछ बड़े बदलाव है, और वो बड़े बदलाव को समझे बगैर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पहले जो क्राइसिस आई, इट वॉज लाइक यू वर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट एंड अ ट्री फेल ऑन, जस्ट लाइक दैट, बम। फैशिज्म का अवसर भी वैसा ही था, बम, है ना। इसलिए क्राइसिस का जो कैरेक्टर है उसमें भी एक चेंज आया है, उसमें ये जो कंटिंजेंट कैटेस्ट्रॉफी कह रहे हैं, एक आकस्मिक आपदा की तरह आना, वो कंटिंजेंट कैटेस्ट्रॉफी का एलिमेंट उसका नहीं है, और उसका ज्यादा एलिमेंट क्या हो गया, क्राइसिस का भी और फैशिज्म का भी, ये स्ट्रक्चरली सोसाइटी में मौजूद है। और इसलिए आज ये, इसलिए कई लोग जो एजाज अहमद, प्रभात पटनायक ऐसे लोगों ने
सादृश्य निरूपण करने की कोशिश की है कि नहीं नहीं ये वैसा उसको फैशिज्म कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो क्या करते हैं कि जर्मन और इटालियन फैशिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की एक लिस्ट तैयार करते हैं और इस स्कॉलास्टिक तरीके से मैच करने लगते हैं कि भारत के फासीवाद में वो है या नहीं। जाहिर तौर पर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती और हिस्ट्री हमेशा रिडेम्प्टिव एक्टिविटी करती है और इवन जो रिएक्शनरी आइडियोलॉजीज है वो भी रिडेम्प्टिव एक्टिविटी करती है। रिडेम्प्टिव एक्टिविटी करने का मतलब यह है कि फैशिज्म जिस फॉर्म में 20th सेंचुरी में पैदा हुआ वो डेफिनेटली 21st सेंचुरी में उस फॉर्म में नहीं पैदा हुआ। ये एक्सपेक्ट करना ही नाइविटी बहुत भयंकर। ये एक्सपेक्ट करना कि फैशिज्म उस तरीके से आएगा जैसे हिटलर एक फ्यूरर कल्ट और ये सारी चीजें हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे आप, उसके कुछ स्नैपशॉट्स दिखेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगे, लेकिन आप उसकी कार्बन कॉपी आपको नहीं मिलता या फोटोस्टेट कॉपी नहीं मिलता। इसका कारण दो, एक जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्राइसिस के नेचर में रखा हुआ है, 1920s 1900 मतलब जो पहले वाला पार्ट था 20th सेंचुरी का, फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, उस दौर में जो क्राइसिस आया और 1970s से जो क्राइसिस आया उसमें एक जो अंतर था वो ये था कि फाइनेंस कैपिटल, अगर कहा जाए इसको इस रूपक से समझ सकते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में पूंजीवाद को अगर एक बस के तौर पे इमेजिन करें तो उस बस में ड्राइवर की सीट पे लेट 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल कैपिटल था, खलासी के सीट पे फाइनेंस कैपिटल था, अर्ली 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल कैपिटल खलासी की सीट पे चला, सॉरी कंडक्टर की सीट पे चला गया और फाइनेंस कैपिटल ड्राइवर की सीट पे आ गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियल कैपिटल कंडक्टर भी नहीं रहा, वो खलासी हो गया और सिर्फ बस के शीशे साफ करता है और जो ड्राइविंग सीट पे है वो अपने ओवरवेलमिंग पावर के साथ फाइनेंस कैपिटल जो सब कुछ तय करता है, वो अपनी मंदी को दूर करने के लिए अफवाह फैला के बबल पैदा कर सकता है जो कि बबल ऑब्वियसली 50 years होगा और सूनर और लेटर फट जाएगा, लेकिन उस बबल के फटने से जो कोलैप्स होगा उस कोलैप्स को बनाने के लिए एक और बबल पैदा करेगा जो उससे भी बड़ा, डॉट कॉम बबल, उसके बाद हाउसिंग बबल, है ना, तो ये बबल पे बबल पैदा करेगा क्योंकि अब कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू पहले नेशनल बाउंड्रीज में सैचुरेट कर गए थे, तो उस समय कैपिटलिज्म ने ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी अपनाई और आज ग्लोबल प्लेन पे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के जो एवेन्यूज वो इतने सिकुड़ गए हैं और इसीलिए इंडिया और चाइना का जो सर ने बात की कि ग्रोथ रेट वो वर्ल्ड के GDP से कंसिडरेबली है रहेगा ही, क्योंकि अभी फिर भी वहां पे वो सैचुरेशन पॉइंट अभी पहुंचना है जो सैचुरेशन पॉइंट नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटलिज्म या अमेरिकन कैपिटलिज्म में पहुंच चुका है, वो सैचुरेशन पॉइंट अभी यहाँ पहुंचना है। और ये भी उम्मीद करना गलत होगा कि वो सैचुरेशन पॉइंट हूबहू वैसे पहुंचेगा जैसे कि वहां के कैपिटलिज्म में पहुंचा, क्योंकि यहाँ का कैपिटलिज्म बहुत हार्ड प्रेस्ड है, गरीब कैपिटलिज्म है, तो गरीब कैपिटलिज्म बहुत हार्ड प्रेस्ड होता है और उस सैचुरेशन पॉइंट के आने के पहले या तो हमारे सामने दो ऑप्शन, सोशलिस्ट अल्टरनेटिव या फैशिस्ट एपोकैलिप्स। वो फैशिस्ट एपोकैलिप्स अब किस तरीके से आएगा ये स्पेकुलेट करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि सोशल साइंटिस्ट का काम काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री लिखना नहीं होता है, वो रियल इवेंट्स को एनालाइज करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये भी टॉटोलॉजिकल होगा, ये बहुत रिपीटेटिव होगा कहना कि फैशिज्म हमेशा क्राइसिस के साथ कॉन्करेंट होता है, जब क्राइसिस आती है कैपिटलिज्म की उसी समय फैशिज्म पैदा होता है। लेकिन ये समझना निश्चित तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी में जो फैशिस्ट क्राइस होगा उसकी अपनी पिक्यूलियरिटीज होंगी, उसकी अपनी खासियत होगी और उसका कोई भी सादृश्य निरूपण नाक्सीवाद से करना या मुसोलिनी के फासीवाद से करना तो बहुत प्रोडक्टिव साबित नहीं होगा सोशल साइंटिस्ट के लिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ सिमिलैरिटीज है और हमें इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कोई जनरल थियोरी ऑफ फैशिज्म हो सकती है या नहीं। और इसके साथ साथ ये भी हमें बताना पड़ेगा कि अलग अलग फैशिज्म्स की पर्टिकुलरिटीज है, और इस बात को समझने के लिए हमें लगता है कि जर्मनी और इटली में फैशिज्म और नाज़ीज़्म के राइज के हिस्ट्री को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे काफी कुछ हम देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज भी हैं, सिर्फ डिफरेंस ही नहीं। सबसे पहला
सवाल जिस पर मैं बात रखना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम कोई जनरल थियरी पेश करना चाहें कि फैशिज्म के राइज के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉमनैलिटी, हिंदुस्तान में भी रिस्पॉन्सिबल है, जर्मनी में भी रिस्पॉन्सिबल थे, इटली में भी रिस्पॉन्सिबल थे, उसका एक जनरल जो एक कॉमन साझा कारण हम देख सकते हैं वो हम समझते हैं कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के दौर में कैपिटलिज्म का जो फंडामेंटलिस्ट और जो एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर वो बहुत बड़ा, ये मोनोपोली कैपिटलिज्म के दौर की जरूरत है कि जो बुर्जुआजी है वो हर किस्म के वर्कर्स राइट्स को, इवन हर किस्म के सिविल राइट और डेमोक्रेटिक राइट को वो एक एक करके छीने, और हर किस्म के ऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं या लोअर मिडिल क्लास के जो प्रोलेटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तोड़े, ये उसके लिए जरूरी होता है। और मोनोपोली कैपिटलिज्म के दौर में ये जरूरत इस बात से आती है कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस भी बहुत भयंकर होता है। इस मोनोपोली कैपिटलिज्म के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि निगेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, ये इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिशन है बेसिकली, जो लेनिन ने बताया कि मोनोपोली कैपिटलिज्म लेसेस फेयर कैपिटलिज्म से सिर्फ इस मायने में डिफरेंट है कि उसका स्टेट फॉर्म बदलता है और इजारेदारियों और कार्टेल्स और जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसके जरिए स्टेट का कैरेक्टर बुर्जुआजी के डिक्टेटरशिप का ज्यादातर बनता जाता है, या यूं कह सकते हैं जो कॉनरेड शशि ने भी बात रखी, आर्थिक कट्टरता राजनीतिक कट्टरता को जन्म देती है, इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म को जन्म देता है। लेकिन सिर्फ यह फीचर फैशिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये जनरल फीचर, और ये फीचर तीन किस्म के एक्सेप्शनल कैपिटलिस्ट डिक्टेटरशिप को, इस कैपिटलिस्ट स्टेट को जन्म दे सकता है। एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप या मिलिट्री जुंटा, किसी किस्म का मिलिट्री सैन्य तानाशाही। दूसरा एक्सेप्शनल कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो है बोनापार्टिस्ट स्टेट, और तीसरा जो एक्सेप्शनल कैपिटलिस्ट स्टेट है वो फैशिस्ट स्टेट। और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजीज का जहां तक सवाल है, हम लोग के लिए सबसे अहम फैशिस्ट स्टेट को स्टडी करना है, और ये चीज जो चीज फैशिज्म को अलग करती है अन्य रिएक्शन के फॉर्म से वो ये है कि ये मास मूवमेंट होता है, जिस मास मूवमेंट का प्रिंसिपल बेस समाज के निम्न मध्यम वर्ग, उजड़ते हुए दुकानदार या समृद्ध होते हुए दुकानदार, इस पर भी डिबेट है कि वो फैशिज्म पेटी बुर्जुआजी इन डिक्लाइन का मूवमेंट था या राइजिंग पेटी बुर्जुआजी का मूवमेंट था। मेरा समझना है कि दोनों का मूवमेंट था, राइजिंग जिसके बारे में पटवन सर ने बात रखी कि एक राइजिंग पेटी बुर्जुआजी के एस्पिरेशन को भी वो अभिव्यक्ति देता है, दुकानदार, प्रॉपर्टी डीलर, शेयर होल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सो कॉल्ड सेल्फ अकाउंट एंटरप्रेन्योर्स, और इस तरह के छोटे मोटे धंधे करने वाला एक वर्ग जो कि न तो पूरी तरह से आबाद होता है न पूरी तरह से बर्बाद होता है, एक लेकिन अनिश्चितता की तलवार उसके सर पे लटकी है, वो कभी भी बर्बाद हो सकता है। तो एक तो एक इस किस्म की पेटी बुर्जुआजी जो कि खुद अपना धंधा करती, दूसरी एक ऐसी पेटी बुर्जुआजी जिसको हम व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स और सैलरीड प्रोफेशनल्स के तौर पर। जब कैपिटलिज्म अपने मोनोपोलिस्टिक दौर में आता है, प्राइवेटाइजेशन करता है, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनको खत्म करता है, अगर हम स्टेट मोनोपोली कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट मोनोपोली कैपिटलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्राइवेटाइजेशन करता है, और इस तौर पर जैसा कि एनडीए की रेजिम में हुआ था, भारत के इतिहास में पहली बार एक मिनिस्ट्री बनी थी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर अरुण शौरी, और उस समय पिंक स्लिप्स दी बट रही थी चारों तरफ सरकारी नौकरों को, और ये वही सरकारी नौकर थे जिन्होंने वोट देकर सत्ता में पहुंचाया था। इस बार भी वही हुआ है, जिन सरकारी नौकरों ने एनमास वोट किया है मोदी को, आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 डेज वीक को 6 डेज वीक के प्रपोजल करना, 7th वेज कमीशन को फ्रीज करना और 6th वेज कमीशन के इंप्लीमेंटेशन को फ्रीज करना, तो आप उनसे पूछा जाता है, तो हम लोग एक साथी हैं साइंटिस्ट है, एसोसिएट साइंटिस्ट किया ये फार्म में, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कि भैया क्या हो गया तुम्हारा, मोदी आया तुम्हारे तो 6 दिन के हर वर्किंग डे को 5 दिन के को 6 दिन कर दिया, तो उन्होंने बहुत मन महसूस के कहा कि राष्ट्र की तरक्की के लिए तो कुछ कुर्बानी करनी तो राष्ट्र की तरक्की, और लेकिन हाँ ये कहने की बात है, वो भी दिल ही दिल क्या महसूस कर रहा होगा तो हम समझते ही हैं। तो एक सैलरी प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर वर्कर्स का क्लास जिसको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, लेकिन उसके सर पर भी एक अनिश्चितता की तलवार लटकी हुई कि कब उसको VRS देके या गोल्डन पिंक स्लिप देके या गोल्डन हैंडशेक करके घर बिठा दिया जाएगा, तो उसका और एक ऐसा पूरा क्लास ये रिएक्शन का बेस बनता है। जब मंदी का दौर आता है, कैपिटलिज्म की क्राइसिस का दौर आता है, और एक एक करके वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज कैपिटलिस्ट स्टेट और बुर्जुआजी के लिए बहुत एक्सपेंसिव बनती जाती हैं, और उनको एक एक करके खत्म किया जाता है, जैसे कि मनरेगा के स्कीम में अभी मोदी ने बदलाव किया है, और अब मुझे लगता है फेज्ड मैनर में वो खत्म कर देगा,
मनरेगा की स्कीम को, और इस तरह के सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें भी बदलाव करने का प्रपोजल मोदी गवर्नमेंट रख रही है। तो हम काफी हद तक एक वैसी स्थिति देख रहे हैं कि 2004 से 2009 यूपीए 1 वाज अ फ्लॉड रिफ्लेक्शन ऑफ वीमर रिपब्लिक, एक ऐसा दौर, लेकिन वीमर रिपब्लिक का वेलफेयरिज्म रियल था, इनका वेलफेयरिज्म सिंबॉलिक था, बस ये फर्क है। और उस समय का कैपिटलिज्म जो वेलफेयरिज्म दे सकता था उसका रियल होना समझा जा सकता है, आज का कैपिटलिज्म तो रियल वेलफेयरिज्म भी नहीं दे सकता क्योंकि उसका मार्जिन इतना सिकुड़ गया है कि वेलफेयर स्टेट के छोटे मोटे खर्चे उठाने की भी औकात इस स्टेट की नहीं है। तो ऐसे में जब क्राइसिस आता है और एक एक करके वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज को विथड्रॉ करता है स्टेट, तो एक बहुत बड़ी आबादी उजड़ती है, प्राइवेटाइजेशन होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक सेल्फ ओन अकाउंट एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड का जो इल्यूजरी कैटेगरी है उसमें जिनको जोड़ते हैं वो उजड़ते हैं, सरकारी कर्मचारी उजड़ते हैं, और जो उजड़ते नहीं भी है उनमें भी उजड़ने का एक भय बना है। और ये जो सतत न तो आबाद हो पाने ना बर्बाद हो पाने वाला वर्ग है, इसके अंदर इसको लेकर एक रिएक्शन पैदा होता है, एक इरिटेशन पैदा होता है, और ये वर्ग प्रोन होता है कि कोई फैशिस्ट पार्टी उसको एक इमेजिनरी एनिमी दे, एक फेटिस्ट, जिस तरीके से नाक्सी पार्टी में जर्मनी में एक इमेजिनरी एनिमी दिया, ज्यूज है या स्लाव्स, जिप्सीज, कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स, कैपिटलिज्म के सारे क्राइम के खिलाफ वो कुछ एंटी कैपिटलिस्ट स्लोगन भी देते हैं, जिस तरह स्वदेशी जागरण मंच दिया करता था बीजेपी का, उसी तरीके से जर्मनी में भी फैशिस्ट नाक्सी पार्टी ने और फैशिस्ट पार्टी ने इटली में लोगों के बीच में एक रेडिकल डेमोगॉगरी, ये बहुत एक फैशिस्ट स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, एक आमूलगामी भाषणबाजी। आमूलगामी भाषणबाजी में वो पूंजीवाद के जो इविल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनिश्चितता है, सोशल इनसिक्योरिटी, उसको वो भी निशाना बनाते हैं, लेकिन निशाना बता के एनिमी किसी और को बताते हैं, उसके रियल एनिमी को छुपा देते हैं। जो फेटिश का प्रिंसिपल है, फेटिश का प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने उसकी तकलीफों, उसकी दिक्कतों के कारणों को समझने से अगर उसको रोकना है तो उसको एक फेटिश का बॉल, कम्युनिटी फेटिशिज्म का प्रिंसिपल भी बेसिकली एक ऐसा ही प्रिंसिपल है, लेकिन अभी उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक फेटिश दी गई। नाक्सी पार्टी ने जर्मन पेटी बुर्जुआजी और जिसको मिटल स्टैंड कहा जाता था, यहाँ का मिटल स्टैंड भी एक है, वो छोटे दुकानदारों का पूरा वर्ग और छोटे ठेकेदारों का पूरा वर्ग, तो उस पेटी बुर्जुआजी को एक इमेजिनरी एनिमी दिया कि तुम्हारी अनिश्चितता तुम्हारे दिक्कतों के लिए यह जिम्मेदार। जिस प्रकार फ्रांस की मैरी लोपेन की पार्टी नेशनल फ्रंट ने एक इमेजिनरी एनिमी दिया और बोला कि 2 मिलियन अल्जीरियंस मतलब 2 मिलियन फ्रेंच अनएम्प्लॉयड, और इस तरह के नारे अगर आप शाखाओं में गए हो, बचपन में गया कुछ समय, इस तरह की बातें शाखाओं में भी होती है आरएसएस की, 17 करोड़ मुसलमान इज इक्वल टू 17 करोड़ हिंदू बेरोजगार। तो बेरोजगारी के रियल प्रॉब्लम को छिपाने के लिए उनको एक इमेजिनरी एनिमी दिया जाता है, और उस इमेजिनरी एनिमी को देने के साथ फैशिज्म क्या करता है, मिथक पैदा करता है, और मिथक को कॉमन सेंस बना देता है, मिथ्स को एस्टैब्लिश कर, राम राज्य का रामराज्य था नहीं कभी हिस्ट्री में, इसके मतलब प्रमाण नहीं है कि रामराज्य जैसी कोई चीज कभी थी, इस मतलब कि राम के राज्य इसका लिटरल मतलब नहीं है, तो रामराज्य जो डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी है, ऐसी कोई चीज सच में इतिहास में कभी थी इसका ना तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना हिस्टोरिकल एविडेंस। राम का फिगर भी एक डिस्प्यूटेड फिगर है कि वो किस रूप में था, किस रूप में नहीं था और क्या था। रामायण के भी बहुत सारे वर्जन हैं, एक में राम और सीता बहन भी, और इस तरह के ढेर सारे वर्जन मतलब रामायण के, तो मतलब अब वो एक अतीत जो कहा कि बेसिकली ये फंडामेंटलिज्म ही है। यहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंट शासी से थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ, ये फंडामेंटलिज्म ही है। फंडामेंटलिज्म वास्तव में कभी किसी रियल फंडामेंटल के पास जाता नहीं, क्योंकि देयर इज नो रियल फंडामेंटल है, वो हमेशा एक गोल्डन पास्ट का रिकंस्ट्रक्शन करता है, और हर मेमोरी भी रिकंस्ट्रक्शन होती है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों में फैशिस्ट प्रोपेगेंडा और मिथ क्रिएशन काम करता है, और ये मिथ क्रिएशन एक कॉमन सेंस के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, और उसका मेथड वही होता है जो गोयबल्स का मेथड था कि 100 को 100 बार दोहराओ तो सच हो जाता है, वो इतनी बार दोहराओ लोगों के बीच में उस बात को कि लोगों को वो सच लगता है, और इस तरीके से मिथक क्रिएट किए जाते हैं, और भी बहुत सारे मिथक क्रिएट किए जाते हैं। किसानों के बीच में क्या मिथक क्रिएट किया जाता है, किसानों जो पेजेंट्री है उसके क्लास नेचर मिलिनेरियन होता है, अपने आप में पेजेंट रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं दुनिया में, वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन होता है, बुर्जुआ रेवोल्यूशन होता है,
peasantry is bound to tail end bourgeoisie or proletariat. Peasantry अपने आप में millennial class होता है, backward looking class होता है, इसलिए जब peasantry crisis का शिकार होता है, तो peasantry spontaneously भी पीछे देखता है. इसके जितने major peasant rebellions हुए दुनिया में, typing rebellion, 1857, वो मुगल अथॉरिटी को रिस्टैब्लिश कर रहा था, है ना? लेकिन मुगल अथॉरिटी उसको नहीं जो औरंगजेब की वाकई में थी, वो एक कल्पित मुगल अथॉरिटी, इमेजिन्ड मुगल पास्ट था, या टाइपिंग रेबेलियन, स्वर्गिक राज, हेवनली किंगडम. और ये एक ऐसा थीम है हेवनली किंगडम जो कि आपको दुनिया के सारे पेजेंट मूवमेंट में मिलेगा, चाहे वो स्वाबिया का पेजेंट मूवमेंट हो, पेजेंट वॉर ऑफ जर्मनी में जो पेजेंट मूवमेंट था उसमें भी एक यूटोपिया दिया गया था, मिलिनेरियन यूटोपिया, बैकवर्ड लुकिंग यूटोपिया, एक ऐसा पास्ट जो कभी था नहीं बट विच इज वेरी रोमांटिक एंड विच इज वेरी ल्यूक्रेटिव. तो पेजेंटी को लगता है ये पूंजी हमको उजाड़ रही है, ये पूंजी हमको उजाड़ डालेगी और इससे बचने के लिए हमें वो कोई पीछे जाना. और उसके बाद फैशिज्म अगला काम क्या करता है कि ये जो कल्पित अतीत जो है इसके तरफ पीछे जाने के लिए पेटी बुर्जुआ, रूरल भी और अर्बन भी. और ये भी सोचना बहुत बड़ी भूल है कि वर्किंग क्लास में फैशिज्म का अपील नहीं होता. हिस्ट्री बताती है 1930 में नाज़ी पार्टी के 26.2% मेंबर्स वर्कर्स थे और 1933 में 31% मेंबर्स वर्कर्स. इसलिए वर्कर्स का भी वो हिस्सा जो कि ट्रेड यूनियंस में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, जिसने कभी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फॉर्म ही नहीं देखा. और भारत में भी वर्कर्स में एक बहुत बड़ा कैसा हिस्सा है, यंग वर्कर्स, हाईली मोबाइल, फुटलूज लेबर, बुरी तरीके से उसमें रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है उन वर्कर्स, लेकिन उनमें फैशिस्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है. और उस लुम्पन प्रोलेटेरियत को फैशिज्म ऑर्गेनाइज कर सकता है अगर उस लुम्पन प्रोलेटेरियत या इनफॉर्मल प्रोलेटेरियत या अनऑर्गेनाइज प्रोलेटेरियत, जिसको आजकल प्रिकैरियट भी बोला जा रहा है क्योंकि वो बहुत प्रिकैरियस जॉब्स होते हैं उसके पास, हालांकि मैं इसके उससे एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये जो अनऑर्गेनाइज प्रोलेटेरियत है, अगर कोई रेवोल्यूशनरी अल्टरनेटिव उसके पास नहीं है तो वो फैशिसाइजेशन उसका होगा और होता रहा है पहले. तो इसलिए फैशिज्म पहले तो इस उजड़ती हुई आबादी को एक यूटोपिया देता है, एक इमेजिन्ड पास्ट का सपना दिखाता है, ग्लोरियस पास्ट का सपना दिखाता है और बताता है कि कैपिटलिज्म के इविल्स से अगर तुम्हें मुक्ति पानी है तो एक उस ग्लोरियस पास्ट की तरफ वापस जाना पड़ेगा. अगली चीज वो उनको ये बताता है कि इस ग्लोरियस पास्ट की तरफ वापस जाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेशन बिल्डिंग, नेशन का, एक स्ट्रांग नेशन का. वो रिलीजन बेस्ड हो सकता है, वो एथनिसिटी बेस्ड हो सकता है, वो रेशियली कॉन्स्टिट्यूटेड हो सकता है, वो लिंग्विस्टिकली कॉन्स्टिट्यूटेड हो सकता है, वो बहुत तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन वो इस तरह के आइडेंटिटीज के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूटेड आइडियलाइज्ड कम्युनिटी, उस आइडियलाइज्ड कम्युनिटी के तरफ को समाधान के तौर पर पेश करता है. और उस आइडियलाइज्ड कम्युनिटी के निर्माण में सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं, कम्युनिस्ट वर्कर्स मूवमेंट, क्योंकि वो आर्थिक अनिश्चितता लाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं वगैरह वगैरह. और एक कर्मचारियों का भी वर्ग जो रेलवे पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करता है उससे मिडिल क्लास चिढ़ा रहता है. आप किसी भी ट्रेन में बैठ के जाइए भारत के में, एक तो खास बात है हर आदमी के पास यहाँ समस्याओं का समाधान है, हर इंसान के पास. और आप उनसे समस्या का समाधान पूछे सीधे लोग कि आज तक मेरी बात मानिए तो सारे नेताओं को एक लाइन में खड़ा करना चाहिए और बोली पा इससे सारी समस्या का समाधान. इस तरह कुछ मतलब स्टूपिड, लेकिन इसको राइट ऑफ करके अगर हम देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि वो साइके क्या है, मिडिल क्लास का वो साइके क्या है. मिडिल क्लास अपनी अनिश्चितता और अपने उजड़ने और अपनी असुरक्षा से परेशान होता है तो उसको एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का आइडिया, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्लोज नेट नेशन, स्ट्रांग नेशन का आइडिया उसको बहुत अपील करता है. उसको ये लगता है कि ये जो अराजकता है, ये जो एनार्की है, जो केओस है, मेरे जीवन की जो असुरक्षा है, अनिश्चितता है, इसका समाधान क्या है, मोदी सरकार, मजबूत सरकार, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है. मोदी का एक बहुत बड़ा प्लैंक था उसके प्रोपेगेंडा का, स्ट्रांग गवर्नमेंट जिसको पॉलिसी पैरालिसिस ब्लॉक वगैरह वगैरह. लेकिन वो स्ट्रेंथ जब फैशिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है पावर में, इलेक्टोरल और नॉन इलेक्टोरल मीन से, मुसोलिनी नॉन इलेक्टोरल मीन से आया, हिटलर कंप्लीटली इलेक्टोरल मीन से आया, सत्ता में आने के बाद उस पेटी बुर्जुआ को भी उजाड़ता है. जैसे कि जो एफडीआई का विरोध कर रहा था मोदी, वो सत्ता में आने के बाद सीधे उसने रक्षा तक को एफडीआई के लिए खोल दिया. अब स्ट्रॉन्ग नेशन की बात कहां गई,
जब आप डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल रहे हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग नेशन की बात कहां रही। तो सत्ता में आने के बाद वो पेटी बूर्जुआ का मूवमेंट है, उसका सोशल बेस पेटी बूर्जुआ है, लेकिन उसका सोशल कैरेक्टर पेटी बूर्जुआ है। उसका सोशल कैरेक्टर ये है कि फैशिज्म जो बिग कैपिटल है, बिग बूर्जुआ है नंबर वन, और नंबर टू जो एक रिच पेजेंट्री कुलक्स का, फार्मर्स का जो क्लास है, जो अपवर्ड मोबाइल धनी किसानों का एक जो वर्ग है, जो कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के जो की एरियाज है उसमें आपको मिलेगा, उसमें आपको उसका अपील देखने को मिलता है, और वो उनकी सेवा करते हैं बेसिकली। बड़ी पूंजी ग्रामीण क्षेत्र में और बड़ी पूंजी औद्योगिक क्षेत्र, उनकी सेवा करने का काम वो करते हैं। अब इस चीज को, यही चीज जर्मनी में भी हुई, यही चीज इटली में भी हुई, वीमर रिपब्लिक आया, वीमर रिपब्लिक 1919 में वॉर के बाद आया, और वीमर रिपब्लिक की सबसे बात, खास बात ये थी कि उसमें जो इंडस्ट्रीज का वहां सबसे बड़ा नेता था, जैसे यहाँ पे अंबानी मंबानी होते हैं, उसका नाम था ह्यूगो स्टीनर, ह्यूगो स्टीनर और कार्ल लीजर जो कि वहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता था, उसके बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत ये, जिसको कैपिटल लेबर कोलैबोरेशन के नाम से जाना गया, कैपिटल लेबर कोलैबोरेशन का ये था कि पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग को कुछ रियायतें देगा, कुछ छूटें देगा, 8 आवर वर्कडे देगा, सोशल सिक्योरिटी देगा, और इसके बदले में मजदूर वर्ग रेवोल्यूशन का एजेंडा छोड़ दे। ये याद रखना चाहिए कि 1919 से 1920 में एक फेल्ड रेवोल्यूशन जर्मनी में हुआ था, जब जर्मनी में सोवियत अस्तित्व में आई थी, लेकिन केपीडी के और स्पार्टिकस लीग के अपने लेफ्ट एडवेंचरिज्म की वजह से वो रेवोल्यूशन कंजुमेट नहीं पाया। तो वहां की बुर्जुआजी दो चीज से डरी, एक अपने देश का जो रेवोल्यूशनरी वर्कर्स मूवमेंट था, और जो सोवियत सत्ता बगल में स्थापित हुई। तो वहां पर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट नेता था फ्राउलिन, एल्फ्रेड फ्राउलिन, उसने एक स्टेटस दिया, उसने कहा कि, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के भाषण में उसने कहा कि हमने देखा कि रूस में किस तरह चीजों ने गलत मोड़ ले लिया, हमको जर्मनी में वैसे नहीं होने देना है, और हमको इसलिए जर्मनी में अगर लेबर से कुछ कोलैबोरेशन करने पड़े तो हमें करने चाहिए, उन्हें वेज हाई देनी चाहिए, उन्हें सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, यही तरीका है कि हम उनको रेवोल्यूशन के रास्ते से रोक सकते। तो एक समझौता हुआ जिसमें सोशल डेमोक्रेसी ने, तो सोशल डेमोक्रेसी वैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जर्मनी में रेवोल्यूशन का एजेंडा पहले भी छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने मिलिटेंट वर्कर्स मूवमेंट का भी एजेंडा छोड़ दिया, और उसके रिवॉर्ड के तौर पर जर्मन बुर्जुआजी ने उनको बहुत सारी छूट, बहुत सारी रियायतें दी, लेकिन उन रियायतों को सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वॉर के बाद जर्मनी का जो सबसे कहा जाए इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रांत था, रूर रीजन जो था, उसको फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, वहीं पर सबसे ज्यादा माइंस थी, मेटलर्जी इंडस्ट्रीज थी, ये सब, तो वो फ्रांस के पास चला गया था। और दूसरी तरफ जो है रेपरेशंस का जो कॉस्ट था वो जर्मन इकोनॉमी पे बहुत भारी पड़ता था, इसलिए 1919 से लेकर 1923 तक कैपिटल और लेबर का ये जो अलायंस था वो बहुत स्ट्रेन था, बहुत टेंशन में चला, और उस बीच एक डिक्टेटोरियल कू का प्रयास भी, उसको कैप पुश के नाम से जाना जाता है, कैप नाम का एक जनरल था, उसने मिलिट्री तख्तापलट बड़ी कंपनियों के इशारे पे करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हो गया। लेकिन 1923 के बाद हालत थोड़ी सुधरी, उसके दो कारण, एक ये था कि रूर रीजन जो है फ्रांस ने वापस कर दिया, रेपरेशंस में छूट दे दी जर्मनी को, और तीसरी चीज ब्रिटिश बैंक्स और अमेरिकन बैंक्स ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया जर्मनी में, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया, जो सबसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं, मेटल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और आर्म्स इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल, उसमें अमेरिकन और ब्रिटिश कैपिटलिज्म द्वारा जो पैसा इन्फ्लो, जो वित्त आया, फाइनेंस आया, उसके बूते 1924 से लेकर 1929 तक वीमर रिपब्लिक का जो वेलफेयर स्टेट था, वीमर रिपब्लिक का जो लेबर और कैपिटल का कोलैबोरेशन था, वो बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता था। लेकिन 1928 आते आते उसमें फिर से स्ट्रेन पैदा हो गए थे। 1928 में जर्मनी ने अपना जो नंबर वन स्पॉट था जर्मनी में, बिगेस्ट इंडस्ट्रियल पावर का, वो रिगेन कर लिया, और वो रिगेन करने के बाद जो जर्मन बुर्जुआजी थी वो जर्मन स्टेट पे प्रेशर डाल रही थी कि अब हमें अपने माल को बेचने के लिए कॉलोनीज चाहिए, और पूरे दुनिया के ट्रेंड में जो सरप्लस एप्रोप्रिएशन हो रहा है उसका रीडिविजन होना चाहिए, और यहां से जो है और 29 में क्राइसिस आया 1929 में। तो इस क्राइसिस ने और जर्मन बुर्जुआजी के नेशनल बाउंड्रीज में सफोकेट करने का जो प्रेशर था उसने पहली बार जर्मन बुर्जुआजी के बड़े हिस्से को राइट विंग की तरफ फोर्स किया, जो जिसको प्रॉफिट स्क्वीज की फिनोमेनन के नाम से जानते हैं, कि प्रॉफिट स्क्वीज हुआ 1928 में जर्मन जीडीपी का 67% वेजेस में जा रहा था और केवल 33% प्रॉफिट्स में,
तो 67% वेजेस में जाने की वजह से प्रॉफिट स्क्वीज की स्थिति पैदा हुई और उसकी वजह से जर्मन बुर्जुआजी ने एक एक करके वेलफेयर पॉलिसीज को वापस लेना शुरू किया और यहां से फैशिज्म के उभार की वो शुरू हुई, क्योंकि जितनी लिबरल बुर्जुआ डेमोक्रेटिक पार्टी थी उनका ये नेचर नहीं था कि वो फैशिस्ट वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज को ओपनली नंगे तौर पर वापस, इसलिए बुर्जुआजी का सपोर्ट जो है DVP थी, जर्मन पीपुल्स पार्टी, जर्मन नेशनल पीपुल्स पार्टी, सेंटर पार्टी, बहुत सारी पार्टी थी, उनका सपोर्ट बेस घटता गया और नाक्सी पार्टी का सपोर्ट बेस जिसने जर्मन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को वायदा किया कि हम इंडस्ट्रियल पीस स्थापित करेंगे। एग्जैक्टली यही प्रॉमिस RSS ने और BJP ने यहाँ किया था कि हम इंडस्ट्रियल पीस स्थापित करेंगे। याद करिए 2006 से लेकर 2000 और अभी तक गुड़गांव मानेसर धारूहेड़ा का जो सबसे स्ट्रैटेजिक रीजन अभी जो इंडियन कैपिटलिज्म का है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिगेस्ट बेल्ट, वो स्ट्रगल्स का केंद्र रहा था। मारुति मूवमेंट, रिको मूवमेंट, होंडा मूवमेंट, उसी तरह वहां पर भी वर्कर्स मूवमेंट जैसे जैसे वेलफेयर पॉलिसी वापस ली जा रही थी वैसे इंटेंसिफाई हो रहे थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज थी जो गौर करने वाली बात है वो ये थी कि वहां की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस समय वर्कर्स के सामने रेवोल्यूशन का एजेंडा रखने के बजाय और ये बताने के बजाय कि इस क्राइसिस का सोल्यूशन इस तरीके से हो ही नहीं सकता कि हम सिर्फ वेजेस के लिए लड़ें, उसने रेवोल्यूशन के एजेंडे को नहीं रखा और वहां की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका कि वहां के मजदूर आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभाव, उस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने वर्कर्स से कहा कि हमें सिर्फ अपने वेज गेन्स को बचा के, हमें सिर्फ अपने वेज गेन्स और सोशल बेनिफिट्स जो हमें मिल रहे हैं वो बचा के, और इसकी वजह से कैपिटलिस्ट क्लास का रिएक्शन और तगड़ा हुआ क्योंकि उसका प्रॉफिट स्क्वीज बढ़ा और यहां से नाक्सी पार्टी को पूरा फुल सपोर्ट मिला और जो पहले एक इंडस्ट्री का हिस्सा नाक्सी पार्टी के सपोर्ट में नहीं गया था जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, सबसे पहले डोमेस्टिक हैवी इंडस्ट्री थी, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जैसे ही नाक्सी पार्टी के सपोर्ट में आई, यूंकर लॉबी ईस्ट एलवे के जो धनी किसान थे वो नाक्सी पार्टी के सपोर्ट में आए और उसके बाद 1933 में 30th January को हिटलर पावर में आता है और एकदम पार्लियामेंट्री मीन से पावर में आता है और आते ही सबसे पहला काम करता है KPD के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि वो किसी भी किस्म का डेमोन्स्ट्रेशन होल्ड नहीं कर सकते, स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, रेड फ्रंट यूनियन को बैन करता है और जिस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार उसके जस्ट पहले थी, म्यूलर उसमें चांसलर था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का, उनको भी नहीं बख्शता है। इसलिए जो CPI CPM और CPIM लिबरेशन टाइप पॉलिटिक्स है जो आज एक टैसिट साइलेंस है उसका और मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का विरोध करने के अगर बात आए उसमें हम बाद में आते हैं, तो वो कुल मिला के वेलफेयर स्टेट की मांग पे जाके होता है। आप जयती घोष और CP चंद्रशेखर और प्रभात पटनायक के आर्टिकल पढ़ते हैं, उत्सव पटनायक के आर्टिकल पढ़ते हैं, वो जब मोदी का क्रिटिक करते हैं और फैशिज्म का क्रिटिक करते हैं तो रेमेडी क्या बताते हैं, वो रेमेडी ये बताते हैं बैक टू नेहरूवियन सोशलिज्म, बैक टू पब्लिक सेक्टर कैपिटलिज्म, जो हो ही नहीं सकता है, जो आ ही नहीं सकता है, इतिहास पीछे नहीं, तो वो अपने सोल्यूशन के तौर पे वो क्या बताते हैं, वो पूंजीवाद के एक हकीम का काम, पूंजीवाद के बीमारी के हकीम का काम करते हैं, वो लगातार उसके कंधे पे पूंजीवाद रूपी विक्रम के कंधे पे बैठा हुआ बैसाल जो संसदीय भाव है जो उसके कान में ये मंत्र फूंकते रहता है संयम धरो संयम, इतने प्रॉफिट के उसमें अंधे मत हो जाओ, थोड़ा संयम, इसलिए थोड़ा स्पीड ब्रेकर्स क्रिएट करो लूट में, थोड़ा एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास कर दो, थोड़ा एक नरेगा पास कर दो, थोड़ा एक निर्माण मजदूर सोशल निर्माण मजदूर सुरक्षा एक्ट पास कर दो, तो इस तरह की चीज कहता रहता है। लेकिन इस तरह की वेलफेयर पॉलिसी बहुत एक्सपेंसिव होती है और वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट को काफी नुकसान पहुंचाती है, इसके वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं सकता, तो ऐसे में सोशल डेमोक्रेसी करती क्या, इट कैन नॉट सबवर्ट कैपिटलिज्म बट इट कैन ब्लीड इट ड्राई, उसका पूरा खून चूस सकता, मतलब वो पूंजीवाद को नाश नहीं करेंगे, पूंजीवाद को सबवर्ट नहीं करेंगे, पूंजीपति वर्ग का तख्ता पलट नहीं करेंगे, लेकिन वेलफेयर पॉलिसीज के स्ट्रॉ से उसका खुल चुके, तो ऐसे में जाहिर तौर पे बुर्जुआजी रिएक्ट करती है और जब वो रिएक्ट करती है तो उसको अपना सपोर्टर किसमें मिलता है, उसको अपना क्या बोले मसीहा किसमें मिलता है, मोदी में, या हिटलर में, या मुसोलिनी में मिल सकता है, या गोर्गे हैदर में मिल सकता है जैसे कि ऑस्ट्रिया में मिला, या फिर नेशनल फ्रंट की मैरी लॉपेन में मिल सकता है, या गोल्डन डॉन में मिल सकता है जो ग्रीस की फैशिस्ट पार्टी है, या यूक्रेन के स्वोबोदा में मिल सकता है, वो किसी में भी मिल सकता है। तो ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसमें सबसे खास बात क्या होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस एक्युमुलेशन का क्राइसिस पैदा करता है, एक्युमुलेशन का क्राइसिस एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करता है जिसमें बुर्जुआजी के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनका इंटरनल एकॉर्ड टूट जाता है, और जब उनका इंटरनल एकॉर्ड टूट जाता है
तो बुर्जुआजी को वापस एक क्लास के तौर पे यूनिफाई करने का काम एक ऐसी पॉलिटिक्स कर सकती है जो कि अन्य बुर्जुआ पार्टी से ज्यादा रिलेटिव ऑटोनॉमी रखती हो, जैसे कि फैशिस्ट। और फैशिस्ट पार्टी उनको क्यों कैसे मजबूर करती है, बिग कैपिटल की अलग अलग लॉबीज को साथ आने में, अपने पेटी बुर्जुआ सोशल बेस के, अपने पेटी बुर्जुआ सोशल बेस के जरिए उन्हें भी मजबूर करती है एक तरह कि बुर्जुआजी एक क्लास के तौर पे अपने क्लास इंटरेस्ट के तौर पे यूनिफाई हो और उसको पावर दे, और ये उसको प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हारे क्लास इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे पैकेज करके व्यापक सपोर्ट लेंगे पेटी बुर्जुआ मासेस का, और जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर्स मूवमेंट है, उनको सिस्टमेटिकली डिस्पर्स। और यही चीज आज मोदी एक अलग तौर पे करेगा, ये कहना बहुत गलत होगा कि मोदी हुआ उस तरीके से करेगा, क्योंकि आज वही कि फैशिज्म भी ज्यादा है कि स्ट्रक्चरल फिल्म, और इसके पावर में आने के बाद अगर कोई ये उम्मीद करता है कि वो गुजरात जैसे दंगे कराएगा, इसकी जरूरत नहीं है ना। वो एक लगातार क्या बोलेंगे उसको, स्मॉल स्केल रायट्स या स्मॉल स्केल कम्युनल टेंशन कैंपेन्स चलाते, जैसे लव जिहाद घर वापसी, या स्मॉल स्केल रायट्स जैसे मुजफ्फरनगर या दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रायट, इस तरह के रायट्स को करके वो वर्किंग क्लास को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, दलितों को वो एक कॉन्स्टेंट उसमें फियर में और उसको डिसिप्लिन, उसकी एक फैशिस्ट सोशल डिसिप्लिनिंग करना, ये करना काफी है आज के दौर में। आज होलोकॉस्ट करना जरूरी नहीं, और वैसे भी होलोकॉस्ट फैशिस्ट पॉलिटिक्स का कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मुसोलिनी ने कहा किया होलोकॉस्ट, मुसोलिनी ने होलोकॉस्ट नहीं किया, नाक्सी पार्टी ने किया। तो एक बात तो तय है कि फैशिस्ट पॉलिटिक्स का ये डिफाइनिंग फीचर नहीं, क्योंकि कई लोगों ने होलोकॉस्ट स्टडीज में होलोकॉस्ट को ही नाज़ी उसका डिफाइनिंग फीचर बताया, और इसकी वजह से बाकी सब चीजें दब गई। वो जो बार्बरिटी थी, वो जो बार्बरिज्म था, वो जो ब्रूटैलिटी थी, उसको ही बता दिया गया कि यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब ये इतना इरेशनल है होलोकॉस्ट थ्योरी का क्रक्स क्या, कि जो बार्बरिज्म कमिट किया नाज़ी ने वो इतना इरेशनल है कि इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड साइंटिफिकली, इट्स एन इंसैनिटी। तो इसका ब्रेक्स ने जवाब दिया था प्रोग्रेसिव राइटर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा ब्रूटैलिटी डज नॉट कम आउट ऑफ ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी कम्स आउट ऑफ बिजनेस डील्स दैट नीड इट। और इसलिए वहां पे होलोकॉस्ट एक खास हिस्टोरिकल कंजंक्शन था। इसका यह मतलब नहीं कि जब भी फैशिज्म आएगा तो होलोकॉस्ट, ये जरूरी नहीं, और ये फैशिज्म का डिफाइनिंग फीचर। तो इसलिए भारतीय जो फासीवाद है उसके पिक्यूलियरिटीज को भी समझने की बहुत जरूरत है। और चूंकि काफी वक्त मैं ले चुका हूं, मैं सीधे अब इस चीज पे आना चाहूंगा कि फैशिज्म को रेजिस्ट करने की रणनीति क्या हो सकती है। इस पर मैं बहुत संक्षेप में बात रखूंगा क्योंकि मेरे पास कोई बना बनाया सलूशन नहीं, और भी साथी यहां मौजूद है, मुझे लगता है वो बात रखेंगे। एक चीज तय है कि फैशिज्म का राइज रेजिस्टिबल प्रिसाइसली इसलिए था क्योंकि उस समय सोसाइटी के पास केवल एक ही ऑल्टरनेटिव थे, उस समय सोसाइटी के पास एक सोशलिस्ट ऑल्टरनेटिव भी था। और डेनियल गुएरन नाम के एक फ्रेंच एनार्किस्ट मार्क्सिस्ट थियोरिटिशियन ने एक बहुत जबरदस्त बात कही, उन्होंने कहा अगर हमने समाजवाद की घड़ी को बीत जाने दिया तो हमारी सजा होगी फैशिज्म, हमारी पनिशमेंट फैशिज्म, अगर हमने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की घड़ी को बीत जाने। तो इसलिए ये समझना कि दुनिया में हर जगह फैशिज्म के रेजिस्टिबल राइज को इररेजिस्टिबल बनाने का सिन किसने, वो पार्लियामेंट्री लेफ्ट, वो सोशल डेमोक्रेसी CPI CPM टाइप पार्टीज ने किया, जिन्होंने, अगर मुंबई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा सवाल आता है 1979 से, कृष्णा व्हाई द लेफ्ट डिड नथिंग एक्सेप्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, एक्सेप्ट सिंबॉलिक जेस्चर्स विच आर डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट। इसलिए, और उस समय लेफ्ट के पास ताकत थी, डेफिनेटली ताकत, और उसका एक जबरदस्त रिटेलिएशन किया जा सकता, जैसा कि जर्मनी में जब तक KPD ने सही तरीके से मूवमेंट चलाया और लेफ्ट एडवेंचरिज्म के गड्ढे में गई, वर्कर्स स्क्वाड्स बनाए थे और वर्कर्स स्क्वाड्स के जरिए उनके टेरर के खिलाफ अपना काउंटर टेरर उन्होंने बिठाया। तो एक ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम इस सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को वर्किंग क्लास मूवमेंट के भीतर से साफ नहीं करते हैं, तब तक ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि मोदी का रेजिस्टिबल राइज इररेजिस्टिबल कैसे बन गया। इसमें पार्लियामेंट्री लेफ्ट का एक बहुत बड़ा रोल, सिर्फ वेलफेयरिज्म से अटके रहना और सिर्फ आगे न जाना, वर्किंग क्लास मूवमेंट को बुर्जुआ लीगैलिटीज के भीतर लिमिट कर देना, उसको उसके लिए वेजेस को साइन हुआ नॉन बना देना, वो अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट एम ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट क्या है, वेतन भत्ते,
उसको भत्ता के सवाल पे अटका देना और उसको सत्ता के सवाल पे न जाने देना, ये सोशल डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल फंक्शन है। और इसके सबसे बड़ा दुश्मन जो एनिमी विद इन वो सोशल डेमोक्रेसी रिविजनिस्ट पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट्री लेफ्ट। और जब तक इस पार्लियामेंट्री लेफ्ट पॉलिटिक्स का वर्किंग क्लास मूवमेंट का आधार रहेगा, इसको साफ नहीं किया जाएगा, तब तक ये खतरा बनता है। पहली दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी रेडिकल प्रोग्रेसिव मूवमेंट, और मैं यहाँ ब्रॉड उसमें बात कर रहा हूँ कि रेवोल्यूशनरी रेडिकल ब्रॉड जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन पूरे भारत में अभी तक फैशिज्म के उसके रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजी रही है उसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो उसको हम कह सकते हैं एक किस्म की रिएक्टिव, क्या बोलेंगे, डिफेंसिज्म। रिएक्टिव डिफेंसिज्म का मतलब यह कि वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का मतलब ये हुआ दंगा हो गया प्रोटेस्ट, बाबरी मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट, गुजरात दंगा हो गया प्रोटेस्ट, अपना पॉजिटिव कोई एजेंडा नहीं उसके पास एंटी फैशिस्ट प्रोपेगेंडा करने का, और फैशिस्ट गैंग्स की पावर को यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अपने रेवोल्यूशनरी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ऑफेंसिव पे जाना, ये लेफ्ट के लिए आज जरूरी है और उसको करना चाहिए। लेफ्ट जब तक ये नहीं करेगा तब तक हम रिएक्टिव डिफेंसिज्म में, एक किस्म के प्रतिक्रियात्मक रक्षावाद में घिरे रहेंगे, और प्रतिक्रियात्मक रक्षावाद इट हैज प्रूव्ड टू बी ग्रॉसली इनसफिशियंट इन रेजिस्टेंस ऑफ फैशन। वो हम पर हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक बने रहेंगे कि वहां आग लगी बुझाने भागो, उधर आग लगी बुझाने भागो, तब तक कुछ नहीं। जब तक आग लगने के सोर्स पे अटैक नहीं होगा तब तक चीजें बदल। और जो तीसरी चीज मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर गौर किया जाना चाहिए, वो ये है कि जो 1935 की 7th कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में दिव्यद्रोह की एक थीसिस आई थी पॉपुलर फ्रंट, वो उस समय हो सकता है कारगर रही हो, आज वो कारगर नहीं। आज उस पॉपुलर फ्रंट की थीसिस ये थी कि फैशिस्ट दिव्यद्रोह का ये थीसिस था कि आज वर्किंग क्लास के पास जो ऑप्शन है वो फैशिज्म और सोशलिज्म नहीं है, वो फैशिज्म और बुर्जुआ डेमोक्रेसी। इसलिए जहां जहां फैशिस्ट सत्ताएं आ गई है पावर में वहां पे हमें बुर्जुआजी के प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक हिस्से के साथ एक पॉपुलर फ्रंट बनाना चाहिए और पॉपुलर फ्रंट बना के फैशिज्म को अपोज करना चाहिए। लेकिन आज आप हाथ में लालटेन लेकर भी बुर्जुआजी का प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक हिस्सा ढूंढेंगे तो मिलेगा। इसलिए एक तो सवाल यह है कि बुर्जुआजी का आज प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स है डेफिनेटली, तीस्ता से दिलवाड़, मुकुल सिन्हा, इस तरह के लोग हैं जिनके उसको हम लोग सलाम करते हैं। लेकिन यह भी मानना चाहिए कि सिर्फ लीगल स्ट्रगल फैशिज्म को रोकने में कामयाब नहीं रहा, यह भी मानना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी उनका स्ट्रगल एक करेजियस स्ट्रगल है, उसको सलाम करना चाहिए। और इस तरह के इंडिविजुअल्स हमें मिलेंगे पेटी बुर्जुआ क्लास से, बुर्जुआ क्लास से, तमाम जगह। लेकिन एज अ क्लास आज के डेकेडेंट मोरीबंड कैपिटलिज्म के दौर में जब मिडिल क्लास के लिए बड़े हिस्से को सिस्टम कोऑप्ट कर चुका है, प्रोफेसर्स का पूरा वर्ग, एकेडमिशियंस का पूरा वर्ग, इंजीनियर्स का पूरा वर्ग, डॉक्टर्स का पूरा वर्ग, उसका समाजवाद आ चुका है, उसको जरूरत नहीं कुछ करने, इसलिए उसका रिएक्शनरी कंटेंट ज्यादा है। और इसी को मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि भारत का मिडिल क्लास अपना हिस्टोरिकल बिट्रेयल कर चुका है, उसका बड़ा हिस्सा अब वर्किंग क्लास मूवमेंट के साथ नहीं आने वाला है। इसलिए कोई भी एंटी फैशिस्ट फ्रंट बेसिकली कोमिंटर्न की 1924 से लेकर 29 की पॉलिसी पे रिवर्ट करना होगा, जो कि प्रोलेटेरियन यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिसी। प्रोलेटेरियन यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिसी ये थी कि हमें नंबर वन वर्किंग क्लास, नंबर टू पेटी बुर्जुआजी, क्योंकि अगर हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे तो वो उनको इग्नोर करेंगे। एक क्लास ही थाली का बैंगन होता है, वो कभी इधर लुढ़क सकता है तो कभी उधर भी लुढ़क सकता है, ये ऐसी दीवार है जो किसी के ऊपर भी गिर सकती है। तो इसलिए पेटी बुर्जुआजी के एक साइजेबल सेक्शन को विनोवर करना, वर्किंग क्लास के अलावा लोअर पेजेंट्री और लोअर मिडिल पेजेंट्री को विनोवर करना, और इन क्लासेस का एक यूनाइटेड प्रोलेटेरियन यूनाइटेड फ्रंट आज फैशिज्म को रेजिस्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज है। पॉजिटिव बात यह है कि 1930s में इन सारी क्लासेस को भी मिला दिया जाता तो पॉपुलेशन के 50-60% ही बनते थे, जिसमें से 30% जो पेटी बुर्जुआजी थी उसको तो लेफ्ट ने बिल्कुल छोड़ दिया वो फैशिज्म के भरोसे, और उनको फैशिज्म विनोवर करके ले गया। आज तो वर्किंग क्लास ही, अगर अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट की बात माने तो इस देश में प्रोलेटेरियत और सेमी प्रोलेटेरियत 77% 2006 का डेटा, मार्जिनल पेजेंट्री प्लस एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, वो 77% जो 20 रुपये प्रतिदिन या उससे कम किया है।
इसके बाद उसमें भी तभी 27% ऐसे हैं जो 13.5 रुपया पर डे की इनकम पे जीते। ये क्लास इतना द शेयर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द वर्किंग क्लास एंड सेमी प्रोलेटेरियन इज वेरी इंकरेजिंग, और हमको अपने इस कोर क्लास पे रिलाई करना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। किसी भी क्लास से एंटी फैशिस्ट इंडिविजुअल आए तो उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमारी क्लास स्ट्रेटजी एक प्रोलेटेरियन यूनाइटेड फ्रंट की होनी चाहिए। और ये बनाने के लिए अगर एक्टिवली आज लेफ्ट मूवमेंट काम नहीं करता है, ये बनाने के लिए अगर आज एक्टिवली जो इन जनरल वर्किंग क्लास मूवमेंट है वो दोनों किस्म की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से मुक्त नहीं पाता है, यानी कि जो इन्वर्टेड कास्टिज्म है, दलित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दलितिस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और दूसरा जो सवर्णवादी पूर्वाग्रह गहरे से बैठे हुए हैं वर्किंग क्लास के विपरीत, ये दोनों किस्म के कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से निजात पाना ये बहुत जरूरी। और इसके बिना जो कॉन्ट्रेक्ट शशि ने भी अपनी बात से रखा कि वर्किंग क्लास मूवमेंट ये जो पुराने रिविजनिस्ट लेफ्ट का एजेंडा था कि रेवोल्यूशन हो जाएगा तो खुद सब कुछ खुद ही हो जाएगा कास्ट क्वेश्चन, उल्टी बात है। जब तक कास्ट क्वेश्चन के रेडिकल रेजोल्यूशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हर किस्म का रेडिकल रिनंसिएशन पहले से नहीं शुरू करेंगे तो वर्किंग क्लास कभी रेवोल्यूशन कर ही नहीं पाएगा, रेवोल्यूशन के बाद की बात दूसरी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कॉन्रेड शशि ने उठाई, हो सकता है कई बारीक नुकतों में हम लोग की असहमतियां भी हो, अम्बेडकर के प्रश्न में असहमति हो सकती है या उसको कैसे उनका अप्रेजल किया जाए सवाल पर असहमति हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कोई भी ब्रांड आज इक्वली डेंजरस है और वो वर्किंग क्लास की यूनिटी को स्थापित किया, इसलिए ये करना एक बड़ा चैलेंज है और इसको किया जाता है। और इसके साथ साथ मेरा समझना है कि प्रोलेटेरियन स्टैंड पॉइंट से एक जो यूथ और स्टूडेंट मूवमेंट बनाने की जो लेफ्ट पॉलिसी पुरानी थी वो मानते थे कि स्टूडेंट यूथ कम्युनिटी होता है, ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है। स्टूडेंट यूनिटी स्टूडेंट कम्युनिटी इज अ हाईली क्लास डिफ्रेंशिएटेड कम्युनिटी, एक मोनोलिथिक होमोजीनियस एंटिटी नहीं। इसलिए आज स्टूडेंट यूथ मूवमेंट को भी सबको शिक्षा, सबको काम, सबको बड़ा निःशुल्क और समान शिक्षा और सबको रोजगार, ये एक ऐसा नारा है जो बुर्जुआ सिस्टम को उसके पॉइंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी पर पहुंचा सके। और इस नारे पे यूथ और स्टूडेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, यूथ और स्टूडेंट मूवमेंट को अपने स्क्वाड्स बनाने चाहिए, ये मेरा डेफिनेट बिलीफ, उसको अपने स्क्वाड्स बनाने चाहिए, उसकी मार्शल ट्रेनिंग करनी चाहिए, सेमी मार्शल मार्शल ट्रेनिंग करनी चाहिए, जूडो, कराटे, डंडे चलाना, ये सब उन्हें सीखना चाहिए। जब भोसला मिलिट्री स्कूल ओपन चल सकता है और वहाँ पे फासिस्ट गुंडों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा सकती है तो ये स्टेट हमें भी जूडो कराटे से रोक दे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जब तक मसल पावर स्टूडेंट यूथ मूवमेंट डेवलप नहीं करेगा हम लोग कैंडल लाइट बिजली कर देते हैं जिससे फैशिज्म को खुजली भी नहीं मिलती है। और हंसते हैं फैशिज्म लेफ्ट मूवमेंट पे कि हर हत्याकांड के बाद और हर बड़े दंगे और जेनोसाइड के बाद जंतर मंतर पे कैंडल लेके बैठा, ये अपनी मजाक अपना मजाक उड़ा है। और अब लेफ्ट मूवमेंट को इस हाईली मतलब इसको क्रिमिनल सिंबोलिज्म से आगे जाना चाहिए और अपने रियल फोर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए वर्किंग क्लास में, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, यूथ, स्टूडेंट में। और हम मैं दलित मूवमेंट कहना पसंद नहीं करता, मैं कहता हूँ एंटी कास्ट, एक तगड़ा बना एंटी कास्ट मूवमेंट, इसलिए क्योंकि एंटी कास्ट मूवमेंट के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होने चाहिए, है ना, वो आइडेंटिटी उसका बेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं दलित नहीं हूँ और मैं कास्ट ऑपरेशन, कास्ट आइडियोलॉजी और ब्राह्मणिज्म से उतनी शिद्दत से नफरत करता हूँ तो मुझे मित्र के तौर पर स्वीकार किया जाता है। और एक ऐसा एंटी कास्ट मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक दलित मूवमेंट भी एक गोल चक्कर में घूमता रहेगा। महाराष्ट्र का केस इसका एक बेस्ट इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, और प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स और अम्बेडकराइट प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिक्स का जो क्राइसिस है वो जैसे बहुत लोग, कभी एक लेख आया कि एक रिनोन्ड इंटेलेक्चुअल ने लेख लिखा कि बसपा का शिराजा क्यों बिखरा, और रामदास तीन राम फांसीवाद के एक पालकी ढोने वाले तीन राम उस लेख में सारी बातें सही है सिवाय एक, ये जो कल्मिनेशन हुआ है दलित पॉलिटिक्स का इसको अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का एक एबरेशन माना गया है, ये अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का एबरेशन नहीं है, ये उसका नेचुरल कल्मिनेशन, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म और प्रैग्मेटिस्ट यूनियन प्रैग्मेटिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पॉलिटिक्स एक ईमानदार बहादुर नेता के होने पर जैसे कि अम्बेडकर वो सही रास्ते पे बनी रह सकती है, और प्रैग्मेटिस्ट आइडेंटिटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पॉलिटिक्स एक सही लीडरशिप के नहीं होने पर फांसीवाद की गोद में भी बैठ सकती है, बेशक वो दलित मूवमेंट ही क्यों।
इसके ये समझना भी बहुत जरूरी है, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म जब तक नहीं होगा, एक जो ट्रू रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट लेफ्ट है उसको इस सेंस ऑफ डिफीट से बाहर आना चाहिए कि कम्युनिस्टों ने कास्ट क्वेश्चन को नहीं समझा। ऑल राइट, नहीं समझा, ये सही बात, कम्युनिस्ट मूवमेंट ने नहीं समझा, कास्ट क्वेश्चन को सही तरीके से थियराइज नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइडेंटिटी प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिक्स के सामने सरेंडर करें, इसका मतलब यह है कि हम एमएल मूवमेंट का, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट मूवमेंट का भी एक रथलेस क्रिटिसिज्म रखें कि वो क्यों दलित क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। और हम इसका भी हमें लेकिन क्रिटिसिज्म रखना चाहिए कि साउथ बोरो कमीशन 1919 से लेकर आरपीआई रामदास आठवले तक के पूरे प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिक्स के प्रैक्टिस का क्या नतीजा था, इसका इस पर भी सोचना चाहिए। इसकी यह फैशिज्म के रेजिस्टेंस में बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस सवाल को यहाँ इन्हीं बातों के साथ, बहुत फैल गई मेरी बात और मैं माफी चाहूंगा, मेरे खुद ज्यादा वक्त दिया और मुझे लगता है कई लोगों को काफी बोर किया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन दिल को स्पीक आउट करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने पूरी बात बोली। और मैं समझता हूँ कि डिस्कशन सेशन होगा ही, इसमें बातें आएंगी और थोड़ा सा शेयरिंग करने का मौका मिलेगा, और इसके बाद भी हम लोग एक इनफॉर्मली बातचीत करने के लिए हम मौजूद रहेंगे फॉर्मल डिस्कशन सेशन के बाद। थैंक यू। The theory of fascism.